सब्सक्राइब कीजिए जायका दिल्ली 6 को और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक फटाफट पहुंचे। आदाब, आज हम बनाने वाले हैं कराची और मुंबई का जो हलवा होता है वो रबड़ की तरह खिंचता है, वो हलवा बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमारे पास ये 1 कप चीनी है और इस 1 कप चीनी को हम डाल देते हैं इस पैन के अंदर। इसके अंदर 250 ml पानी डाल देते हैं और इस चीनी को हम घुलाने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ये पैन है और ये बीज हैं हमारे पास कद्दू के बीज हैं, पम्पकिन के बड़े वाले बीज ही जाते हैं। हमने 1 टेबल स्पून लिया है। हम इसको ड्राई रोस्ट करने वाले हैं, ये अच्छे से फूल जाएंगे और एक बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी इनके अंदर। तो हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और ये कितने डालने हैं आपके ऊपर है, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ले लें, कम पसंद है तो कम ले लें। और आपको ये पम्पकिन के बीज नहीं मिलते हैं तो आप तरबूज या खरबूज के भी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी चीनी है उससे थोड़ा सा पानी डाल के हमने उसको रख दिया है। चीनी से हाफ हमारे पास ये कॉर्नफ्लावर है, ये हम कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड करते हैं। जितना पानी हमने 400 ml लेना है, 150 ml डाल दिया है हमने, 250 ml हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ये गया 250 ml पानी इसके अंदर, इसको हम अच्छे से घुला लेंगे। अभी हम इसे साइड रख देते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं हमें क्या चाहिए। ये हम इसको यूँ घुलाते रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है बिल्कुल उतना ही हमने देसी घी लिया है। ये हमारा होममेड देसी घी है, आप चाहें तो मार्केट से बड़ी आसानी से ले सकते हैं, लेकिन घी इसमें ज़्यादा ही लगता है। हमने 1/2 कप कॉर्नफ्लावर लिया है तो हमने उतना ही घी लिया है। उसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास ये सिट्रिक है, 1/2 टीस्पून है, ये भी इस हलवे के अंदर ही जाएगा। ये इसको एक शाइनिंग चमक अलग सी देगा। ये 5 इलायची हैं, हरी इलायची हैं, हमने इसके बीज निकाल लिए हैं और हमने इसको अपनी ओखली में कूट लिया है। ये बहुत कम चीज़ों से तैयार हो जाता है हलवा। आप देखेंगे 2 बूंद हमें ग्रीन कलर चाहिएगा, 2 बूंद हमें रेड कलर चाहिएगा। आप चाहें तो कलर ना लें, आपका हलवा तब भी बन जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी चीनी से शुरू करते हैं। हम इसको रखते हैं चीनी को पकने के लिए। हमें इतनी देर के लिए चीनी पकानी है कि बस ये हमारी चीनी मेल जी। देखें हमारी चीनी घुल चुकी है और आप देखेंगे ये जो कॉर्नफ्लावर में हमने पानी डाला था, आपको दिखाया था, हमने उसको मुसलसल चला लिया है। हमने अपनी हीट को बंद कर दिया है चीनी घुलते के साथ ही। हीट बंद करने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, वरना हमारे कॉर्नफ्लावर में लम्स पड़ने का डर है। तो हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे, जैसे इसमें उबाल आएगा ये एकदम से ठीक हो जाएगा। आपने चलाने के लिए ये देखें आप, ये ठीक होने लगा है। अभी इसमें उबाल भी नहीं आया है, उबाल आने वाला है, लेकिन ये ठीक हो गया है। हम इसको मुसलसल चलाते रहे, 1 मिनट भी आपने बीच में रुकना नहीं है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी जो बिल्कुल नहीं रुकेंगी। ये देखें आप, ये मुसलसल चलाना है। अब इसमें उबाल आने लगा, ये देख सकते हैं आप, ये उबाल आने लगा है इसमें। अभी भी हम इसको चलाते रहेंगे। जैसे ये साइड छोड़ेगा हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये पैन की इधर से साइड छोड़ देगा, मेरे चमचे के साथ चिमट जाएगा, तो समझो इसका पानी अब खत्म हो गया है। तो अभी मैं इसको चलाती रहूंगी। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। और हमने अपने पम्पकिन के जो हमारे पास सीड्स थे वो हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। ये जैसे मेरे चमचे से बिल्कुल टाइट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून घी। घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, नीचे आपको जलने नहीं देना है। इसको चलाते वक्त उबाल आने से पहले हमने अपनी हीट को फुल किया था ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। ये देखें हमारा घी इसने तमाम एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसके अंदर फिर से डालते हैं ये 3
टीस्पून घी और फिर से इसी तरीके से चलाते हैं। ये देखें इसमें वो वाला घी भी एब्जॉर्ब कर लिया। ये देखें अब हम इसमें एक बार और ये घी डालते हैं जो हमने आपको दिखाया था, इसी के लिए था ये तमाम, और इसको फिर से चलाते हैं। इसी के साथ अब देखेंगे कि ये सिट्रिक एसिड है, हम इसके अंदर पानी डालते हैं, इसको लेमन सॉल्ट भी कहते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसके अंदर, ये देखें, और ये हम इसको यूं उंगली से घुला के, ये घुल गया, उंगली से यूं घुलाएंगे और ये हम इसके अंदर चलाते चलाते ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम इसके अंदर ये पम्पकिन सीड्स डालेंगे, जितने हमने आपको दिखाए थे वो तमाम नहीं डालेंगे हम, थोड़े उससे कम डालेंगे। अब इसको ये देखें आप, इसको जितना ज़्यादा कस के एक तरीके से भूनना कहते हैं, इसको घी डालने के बाद जितनी ज़्यादा देर तक पकाएंगे उतना ज़्यादा आपका ये हलवा एकदम से चूई बनने वाला है। तो ये देखें अब हम ऐड करते हैं इसके अंदर ये इलायची का पाउडर। हमने हीट को अपनी बिल्कुल मीडियम रखा है, थोड़ी ताकत से हिलाना है इसको बिल्कुल। ये देखें कितना ज़्यादा घी था इसके अंदर, इसने ये सब एब्जॉर्ब कर लिया है। ये इस तरीके के उबाल आने इसमें ये ज़रूरी है, इससे ये ट्रांसपेरेंट होगा, चलाने से और भूनने से ये चूही होगा। ये देखें हम इसके अंदर जो लास्ट घी बचा हुआ था वो भी ऐड कर दिया, और फिर से इसको पकाते हैं। पकाने के बाद आप देखेंगे हम इसको दो कलर का बना रहे हैं। हम पकाते पकाते ही इसका हाफ पोर्शन इसके अंदर डालते हैं, इसको भी मुसलसल चलाते रहना है वरना तो ये आपका सेट हो जाएगा। ये देखें इसको दूसरे गैस पर रखते हैं और इसके अंदर दूसरा कलर डालते हैं, इसमें दूसरा डालते हैं। पहले हम इसको चलाते हुए आप देखेंगे हम इसके अंदर ये रेड कलर है, हल्का सा हमने इसमें पानी ऐड करके डाला है। ये देखें बस हमें यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क हम नहीं लेंगे। और एक बूंद हमने इस वाले के अंदर टपका दिया है, ग्रीन टपका दिया है इसके अंदर। इसको भी पूरे में चलाते हैं और इसको भी मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। ये देखिए हमारा हलवा कितना बढ़िया सा पूरा बिल्कुल हमारे चमचे से चिमट रहा है। हमने इसको जिस चीज़ में भी आपने निकालना है उसको आप घी से ग्रीस कर लिया, हमने भी किया है। ये देखें इसको आपने बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है वरना ये आपका सेट हो जाएगा। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया और हमारा दूसरा हलवा भी बिल्कुल पक रहा है, ये भी हमने, ये देखें ये वाला हलवा भी हमारा भी पक ही रहा है, ये बुलबुले आ रहे हैं इस पर, हम डालते हैं इसके अंदर। ये देखें ये भी तमाम डाल दिया, कितना बढ़िया सा ये, कितना अच्छा सा चूई सा ये। थोड़े से हम इसके ऊपर ये ऊपर से भी डाल देते हैं और इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें हमारे हलवे को एक घंटा हो गया है, हमने इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। अब हमने हल्का सा इसको यूं उंगली से यूं देखा कि इसने अपनी ये साइड छोड़ दी है, हमें ये ऐसा ही चाहिए था। ये देखें अब हम इसको निकालते हैं और अपने मन चाहे जिस आकार में भी आपने काटने हैं उसमें ये काट सकते हैं। ये देखें इसी तरीके से हम इसे भी निकाल लेते हैं। कितने आराम से ये निकल गया, जैसे मैंने बताया था जितनी देर आप इसको पकाएंगे, थोड़ी सी मेहनत पकाने में करेंगे तो ये आपका बहुत बढ़िया बनने वाला है। अब हम इसको कट करते हैं, आप जिस तरीके से चाहें करें। ये देखें हमने इसको इस तरीके से कट किया है, ये देखिए आप इसको, ये आपके चकोर पीसेस भी आ गए। ये इस तरीके से हम बिल्कुल इसी तरह से इसे भी कट करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा है उससे, इसके पीस थोड़े मोटे आने वाले हैं,
बिल्कुल इसी तरह हम इसे भी कट करेंगे। ये हमने कट कर लिए हैं, ऐसे ही इतने अच्छे दिख रहे हैं ये तो, लेकिन फिर भी निकालते हैं। ये देखें, आपको दिखाते हैं कितने बढ़िया ये दिख रहे हैं। ये थोड़े मोटे मोटे कटे हैं, ये थोड़े से ज़्यादा थे, तो इस तरीके से ये देखें, ये रिया हमारा लास्ट पीस। तो इस तरीके से बनाएं, हमारे तरीक़े से बनाएं, ज़ायका दिल्ली 6 के तरीक़े से बनाएं। ये कराची का और मुंबई का हलवा, इसको मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन हाँ बनाएं ज़रूर इसको, और बड़े आराम से आप इसको रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं और इसको बड़ी खुशी से खा सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कम बनाइए और फिर इंशाल्लाह जब अच्छा बनेगा तो फिर ज़्यादा बनाना। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं।